रणबीर कपूर की फिल्म संजू का जादू सभी के सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के लिए ऐसा जादू करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि राजकुमार की फिल्मों में ऐसा क्या है विच लीव द ऑडियंस मेस्मराइज? आइए हम आपको बताते हैं। देवियों और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्लॉट सिस्टम एक्सपोज। राजकुमार की मूवीज की बात ही अलग होती है, वो एक फन वे में सिस्टम की कमियों को एक्सपोज करते हैं। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? जैसे मुन्ना भाई MBBS में उन्होंने हमें मेडिकल प्रोफेशन के फ्लॉस के बारे में बताया, थ्री इडियट्स में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स के बच्चों पर प्रेशर बनाने जैसी चीज के बारे में बात की, PK में उन्होंने बताया कि कैसे बाबा का गेम ढोंग हो सकता है, और उनकी लेटेस्ट रिलीज संजू में उन्होंने मीडिया के फ्लॉस के बारे में बात की। मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। इसके साथ ही राजू की फिल्में हमें हमेशा सीख देती हैं, जैसे डॉक्टर्स को पेशेंट से प्यार, पेरेंट्स का आउटलुक चेंज, गांधीगिरी, ढोंगी बाबाओं का सत्यानाश। एक खास बात और है राजू की फिल्मों के बारे में, और वो ये कि हमेशा उनकी फिल्मों में वन लाइनर टेक अवेज होता है, जैसे मुन्ना भाई MBBS में जादू की छप्पी, लगे रहो मुन्ना भाई में गांधीगिरी, PK में रॉन्ग नंबर, और संजू में घीचे तो घपा घपचे, ट्रांसलेट कर घी मतलब पैसा और घपा घप सेक्स। प्योर स्टोरी टेलिंग। राजकुमार की फिल्मों में मैसेज के साथ साथ एक अच्छी बात ये होती है कि वो फिल्मों में डिस्ट्रैक्टिंग मोमेंट्स नहीं रखते। उनकी फिल्म में आपको जबरदस्ती के आइटम सॉन्ग्स नहीं मिलते। उनकी फिल्मों में कोई भी किरदार बड़ा या छोटा नहीं होता, हर किरदार की अपनी अलग अहमियत होती है, और राजकुमार सिनेमा की पावर में विश्वास रखते हैं। लाइफ एक रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाए। उनकी जबरदस्त राइटिंग उनकी फिल्मों की सफलता का राज है, क्योंकि वो डायरेक्टर से पहले एडिटर, फिर राइटर और फिर डायरेक्टर है। दैट मैन इज अ जीनियस। लाफ क्राई ड्रामा। राजकुमार ने खुद ही बोला है कि उनकी फिल्मों में तीन एलिमेंट्स में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। वो तीन चीजें हैं लाफ, क्राई और ड्रामा। उनकी फिल्मों में या तो मजाक मजाक में बातें सुलझाई जाती हैं, या फिर सीख दी जाती है, या फिर दर्शकों के दिल में इतने भारी इमोशंस जगाए जाते हैं कि वो अपनी फिल्मों के इमोशंस को ह्यूमनाइज कर देते हैं। जैसे फिल्म मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त और संजय दत्त का सीन, लगे रहो मुन्ना भाई में सर्किट और मुन्ना वाला सीन, थ्री इडियट्स में तीनों कैरेक्टर्स की फ्रेंडशिप, और वहीं संजू में ये दोनों चीजें हैं। He makes you invest in a character's journey. राजकुमार की फिल्मों में दर्शक अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं। एक कैरेक्टर के साथ आपको शुरू से ही इतना लगाव हो जाता है कि आप उस कैरेक्टर की जिंदगी को जीते हो। कंट्री टेररिस्ट बोलेगा, वो तो अभी बोल रहे हैं। I'm not a terrorist. उस कैरेक्टर की जर्नी के साथ आप जुड़े रहते हो, और राजू हिरानी की फिल्म कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी फिल्मों के कैरेक्टर को आप अपने साथ घर लेकर जाते हो और कुछ दिनों तक उसे जीते हो। हेडलाइट सी आंखें थी और फ्लाइंग सॉसर जैसे कान, उसके सतरंगी कपड़े और उसका अतरंगी डांस। केटर्स टू ऑल एज ग्रुप्स। राजू हिरानी की फिल्में कभी भी एक टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं होती। उनकी फिल्मों में ये बात है ही नहीं कि वो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए बनी है, एल्डर जनता के लिए बनी है, या यूथ और बच्चों के लिए बनी है। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। उनकी फिल्में एक सिनेमा लवर के लिए बनी होती है, और हर सिनेमा लवर उनकी फिल्मों को एंजॉय करता है। लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा और द ककू बर्ड। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई भी पॉइंट छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और देसी मार्टिनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।